हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सो मैं नहा धोवा के हो गई हूँ रेडी, और घर में झाड़ू पोछा भी कर चुकी हूँ। उसके बाद अभी बज रहा है 5:30। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, 5:15 या 20 के करीब में। तो पता नहीं आज मुझे क्यों इतना अचानक से सुबह में नींद खुल गया तो मैं उठ गई थी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पूजा पाठ भी मैं कर ली हूँ, तो सोचा कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। और देख सकते हैं सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना लग रहा था, और जैसे लग रहा था थोड़ा सा कुहासा टाइप में घेर लिया है, तो और ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पे चाय चढ़ाए हैं, तो चाय बन गया हुआ है, थोड़ा सा गर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भुजिया भी बना रहे हैं, और मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोरगुल हो रहा होगा क्योंकि रोड के बगल में घर है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। उसके बाद बेटी बोली कि पराठा भुजिया खाएंगे, तो मैं उसके लिए वहीं बना रही थी। उसके बाद 3 पराठा बनाई, एक खाएगी, 2 को स्कूल लेकर जाएगी। और उसके बाद फिर आटा सान के मैं सान ली थी, ज़्यादा रख लूँगी उसको। फिर मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाएंगे तब मैं बनाऊँगी। उसके बाद हम अपने लिए बना रहे थे दाल चावल, तो सोचा कि आज एक एक चीज़ को मैं रिकॉर्ड करूँगी, ताकि मतलब कहने से ज़्यादा कि जो दिखाएं वो अच्छा दिखता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैं दाल को धो रही थी 2-3 पानी, उसके बाद फिर चावल चढ़ाएंगे। तो वीडियो तो इसे बहुत बड़ा बन गया था, लेकिन मैं इसे छोटा कर दी हूँ क्योंकि छोटा वीडियो ही आप लोग देखते हैं, बड़ा बनाने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसमें हल्दी और नमक डाल दिए, उसके बाद इसको आप चढ़ा देंगे। तो देख सकते हैं वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर देना, एंड जो लोग चैनल पर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे चावल को धो रही हूँ, चावल को भी अच्छी तरीके से 2-3 पानी धो लेंगे। और मतलब जिसको जितना मन हो उतना अपना करता है, यही बात है। तो फिर क्या है, आज हो गया पता नहीं आज कितना तारीख है। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं चावल को धो के चढ़ा देती हूँ, उसके बाद बैठ के आराम से चाय पियेंगे क्योंकि अभी तक मैं चाय नहीं पी हूँ। तो यही बात है, और मेरी बेटी अभी स्कूल चल गई है, सब कुछ कर लिए हैं। सुबह में उठने का यही फ़ायदा है कि सब चीज़ हो जाता है आराम से। देख सकते हैं एक तरफ दाल और चावल चढ़ा दिए हैं, और इधर भुजिया भी बनाए थे हम अपनी बेटी के लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लिए क्योंकि हम लोग के लिए भी हो जाएगा 2 सब्जी, 1 परवल का भरुआ बनाना है। तो उसका भी रेसिपी मैं फुल रेसिपी शेयर की हूँ आप लोग के साथ, इसी ब्लॉग में है, तो आप लोग प्लीज़ देखिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके भी बताना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे मैं परवल को उबाल रही थी, और यहाँ प्याज काट लिए हैं, मर्चा, धनिया, जीरा मिर्च, जो भी मतलब जीरा मिर्च सॉरी बोल रहे हैं, मर्चा, जीरा और तेजपात, लहसुन को सबको एक प्लेट में रख ली। इसको पहले मैं फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद इसका बीज निकाल कर रख दिए थे क्योंकि मसाला के साथ ही इसको फ्राई करेंगे, इसलिए। तो देख सकते हैं तेल बहुत ज़्यादा रखा गया था क्योंकि ये जो तेल बचेगा इसी को मैं मसाला बना दूंगी, इसलिए। तो तेल देख सकते हैं एकदम से काला हो गया था क्योंकि बीच में मेरे बहन का फ़ोन आ गया था, लगी थी मैं बात करने, और तेल को मैं गैस नहीं बंद की थी, इसी तरह रह गया था, इसलिए तो तेल काला दिख रहा था। अब चलते हैं तरफ पराठा और पराठा करा सॉरी रोटी बनाएंगे लंच हस्बैंड के लिए, और एक तरफ भरता भी बनेगा, तो दोनों काम एक साथ हो जाएगा। और आज बहुत जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया था, मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ क्योंकि जिस समय मैं ब्लॉग बनाती हूँ उस समय बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, इसलिए। तो अभी भी तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा होता है ना कि घर में थोड़ा सा अच्छे से बैठ के वॉइस ओवर कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं परवल को उबाल मतलब फ्राई कर लिए थे, यहाँ पर मसाला भी लगभग हो गया है, तब इसको निकाल के रखेंगे एक प्लेट में और इसको भर लेंगे। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, तो सोच रही हूँ इसको भरेंगे। थोड़ा यहाँ पे मैं म्यूजिक डाल दे रही हूँ तो आप लोग फिर मुझे आप सकते हैं यहाँ पे मैं इसको भर ली हूँ। अब चलती हूँ, खाना पीना भी मैं खा ली हूँ, और मैं सोच रही हूँ इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी 9:30 हो रहा है, आज बहुत जल्दी मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चल गए,
अब हम 5:30 में उठे हैं तो सोच रहे थोड़ा देर सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, उसके बाद मेरी फिर बेटी आ जाएगी तो दिन भर उसी में लग जाते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।